Everybody here. But I see everybody here wearing a mask. Okay. Om Jnanti Vrindasya Jnananjana Shalakya Chakshirmitadhyena Tasmai Shri Shri Chaitanya Manavastam Savidamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadisum Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalan Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sarajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajevam Sadvetam Savadhutam Parinat Shri Radha Krishna Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesa Gopya Tapta Kachna Gora Radhe Vrindava Vancha Kalpa Taravyasya Kripa Sindhu Vayavacha Paridana Pavanevyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashari Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Tadu Jana Janela Pabura Kuchare, Rupa Shakra Malika Ayala, Kama Dekhi Bahar Ayala. So, hum, is hamay, Chaitanya Chitramrita ke Madhya Leela ke pehle adhyay ka adhyan kar rahe hain. Chaitanya Chitramrita ko teen bhagon mein baata hua hai. Adhi Leela, Madhya Leela aur Antya Leela. और चैतन्य चतुर्मिता में भावगान की शिक्षा और लीलाओं का वर्णन है. मध्य लीला शुरू होती है 24 साल के बाद और पहले 6 साल जो भगवान ने लीलाएँ की वो मध्य लीला में आती हैं और फिर आगे जाकर बाकी के 18 साल हैं वो लीला की क्या क्या वो उस लीला को हम अंत्य लीला कहते हैं. तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं और हजारों व्यक्ति उनके साथ चल रहे हैं और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने स्वीकार की थी मुसलमान राजा की नौकरी. राजा का नाम था हुसैन शाह. राजा ने देखा कि जो आबादी है लगभग हिंदू है और वो था मुसलमान. तो राजा ने देखा ये जो खानदान है रूप सनातन का लोगों की बड़ी श्रद्धा है उनमें क्योंकि सारा दिन ये भाई भगवत धर्म का अध्ययन करते रहते थे और 4 भाई थे एक बहन. तो राजा ने पहले सूचना भेजी कि मैं चाहता हूँ कि तुम 2 भाई आकर मेरे राज्य का शासन करो और इन 2 भाइयों की रुचि बिल्कुल नहीं थी इस कार्य में.
उन्होंने इनकार कर दिया। फिर राजा ने जबरदस्ती उन्हें जोड़ा उनके राज्य के शासन में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु रमाकेली में रमाकेली आ रहे हैं, किस लिए? इन दो भाइयों को मिलने के लिए। दो भाई जो थे उनके सनातन भक्त थे और वो जुड़े हुए थे जबरदस्ती राजा की सेवा में, उनकी रुचि नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु खुद है रामाकेली जो बांग्लादेश में है इन दो भाइयों को मिलने के लिए। तो राजा ने पूछा इन दो भाइयों से, ये जो सन्यासी यात्रा कर रहा है जिसके साथ हजारों लोग साथ में चल रहे हैं, ये कोई भगवान तो नहीं है? ये कोई खास अवतार तो नहीं है? तो इन दो भाइयों को पता था राजा की बुद्धि और उन्हें डर था किसी प्रकार का अड़चन नहीं कर दे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, उसके साथ थोड़े ही लोग जा रहे हैं। तो रूप उत्तरी यहाँ इस श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि नित्य नंदन और हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि दो प्रसिद्ध भक्त आए आपको मिलने के लिए, वो उनका नाम क्या है? रूपा और सनातन। रूप और सनातन महाप्रभु को मिलने गए थे क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं थी सरकारी नौकरी करने में, तो वो महाप्रभु से पूछने गए। इससे पहले उन्होंने महाप्रभु को अनेक पत्र भी लिखे थे, महाप्रभु ने उनका जवाब भी दिया। तो रूप और सनातन जैसे हमने कहा जबरदस्ती जुड़े थे राजा की सेवा में। तो रूप और सनातन ने प्रणाम किया महाप्रभु को, बड़े विनम्र भाव से मुँह में घास का पत्ता रखकर उन्होंने पूछा कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया जो प्रभुपाद जी भगवद्गीता की भूमिका में उपयोग करते हैं। महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार एक विवाहित स्त्री बड़ी सावधानी से पति की सेवा करती है पर अंदर से सोचती है कब मैं प्रेमी को जाकर मिलूंगी, तो उसी प्रकार तुम्हें कार्य करते जाओ जो नौकरी थी सरकार की। तो रूप गोस्वामी समझ गए कि महाप्रभु की इच्छा है थोड़ी देर और उनकी सेवा की जाए, वो नौकरी में रहें। तो रूप गोस्वामी ज़्यादा देर नहीं रहे उनकी नौकरी में। रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी और अपने धन को बांटा। किस रूप से? धन की कमी नहीं थी उन्हें, क्योंकि राजा इतना प्रसन्न था इन दो भाइयों की सेवा में कि उन्होंने जितना धन चाहिए था उतना देते थे उन्हें। तो रूप गोस्वामी ने 50% संपत्ति बाटी किसे? ब्राह्मणों को, क्षुद्र ब्राह्मणों को 25% संपत्ति बाटी रिश्तेदारों को और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। तो रूप और सनातन बड़े विनम्र भाव से महाप्रभु को मिले और प्रणाम किया और कहा, हम जो हैं
जगाए मदाई से भी ज़्यादा पतित हैं। आप वैष्णव सिद्धांत में देखते हो कि हर भक्त ये सोचता है मैं सबसे विनम्र हूँ, मैं से ज़्यादा पतित कोई है ही नहीं। भौतिक समाज में हम प्रयास करते हैं ये स्थापित करने के लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम नंबर वन, ठीक है। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हम क्या सोचते हैं, हम तो सबसे ज़्यादा पतित है। यहाँ रूप और सनातन क्या कह रहे हैं इस अध्याय में, इस अध्याय में कह रहे हैं हम जगाए मदाई से भी ज़्यादा पतित है। जगाए मदाई से ज़्यादा पतित कौन हो सकता है? तो ये था उनका भाव। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को वृंदावन भेजा था और उनका भाव क्या था, वृंदावन में जाकर उन स्थानों को खोजो जहाँ की महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए प्रयाग में आध्यात्मिक शिक्षा दी थी और ये कहा ग्रंथों की रचना करने के लिए और उन स्थानों को ढूंढो जहाँ के भगवान ने दिव्य लीला प्रकट की थी, और एक और आदेश था मंदिरों का निर्माण करो। जो वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर हैं इन सब का निर्माण गोस्वामी द्वारा हुआ है। तो रूप गोस्वामी ज़्यादा देर नहीं रुके ये राजा की नौकरी में और वृंदावन गए, महाप्रभु से उन्होंने दिव्य शिक्षा प्राप्त की। महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो नो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति अनेक योनियों योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। महाप्रभु ने इस प्रकार वैदिक शिक्षा उन्हें दी और रूप गोस्वामी कहाँ चले, वृंदावन आए महाप्रभु के आदेश के अनुसार। उनके जो भाई थे सनातन, उन्हें थोड़ी देर और नौकरी करनी पड़ी क्योंकि दोनों भाइयों ने सोचा अगर हम दोनों नौकरी त्यागेंगे तो राजा अवश्य ही क्रोधित होगा। तो पहले रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी। रूप गोस्वामी सनातन के छोटे भाई थे और महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो गए वृंदावन में जहाँ की उन्होंने ग्रंथों की रचना की और मंदिरों का निर्माण। तो सनातन गोस्वामी थोड़ी देर बाद उन्होंने नौकरी तो नहीं त्यागी पर राजा को सूचना भेजा कि मैं बीमार हूँ और ठीक होने पर मैं लौटूंगा नौकरी के लिए। तो लगभग 1 महीना बीत गया था और राजा आगे जाना बढ़ना चाहता था उड़ीसा के राजे से युद्ध करने के लिए। उस समय भारत के कई इलाकों का शासन मुसलमान राजा कर रहे थे और कई स्थानों में हिंदू राजा थे। तो हुसैन शाह की इच्छा थी अब उड़ीसा को जाकर कंट्रोल में लाए। तो हुसैन शाह आगे ही दुखी था कि रूप गोस्वामी ने नौकरी त्याग दी थी। तो फिर उन्होंने कहा अपने डॉक्टर से जाओ देखो सनातन कितना बीमार है, सच्ची बीमार है या पखंड कर रहा है। कभी मंदिर में भी
भक्त होते हैं जो पखंड करते हैं, प्रसाद ये होकर ठीक हो जाते हैं, सेवा के समय बीमार हो जाते हैं। ये इसको कहते हैं सेवा छोड़। सेवा से बचने के लिए बहाना देता है। तो जो डॉक्टर जी आए, सीधा कमरे में घुस गए। आजकल तो अगर आप किसके घर जाना चाहो तो पहले घंटी मारना पड़ता है, वो पूछेगा आप कौन हो, और फिर अगर नहीं चाहिए आप अंदर आओ तो वो बद घंटी नहीं बजाते। खैर उन दिन में ये सुविधा नहीं थी। राजा डॉक्टर ने देखा ये तो बिल्कुल ठीक है, पूरा कम घर भगवतम से भरा हुआ था, 30 ब्राह्मणों के साथ दिन रात भगवत का अध्ययन किया हो रहा था। तो डॉक्टर ने आकर बोला राजा से, आपका सनातन तो बिल्कुल ठीक है, और वो तो दूसरे भक्तों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहा था। राजा ने कहा बुलाओ उसे मेरे पास। तो सनातन गए, सनातन ने राजा को आदर दिया, प्रणाम किया, और राजा ने कहा तुम्हारा बड़ा छोटा भाई निकम्मा निकला है, तुम भी उसके जैसा बन रहे हो, मैं अभी जाना है युद्ध करने, तुम लौटो अपनी नौकरी का, अपनी जिम्मेदारी उठाओ। एक भाई थे रेवेन्यू सेक्रेटरी और एक भाई थे प्रधानमंत्री जैसे, दोनों की बड़ी ऊंची जिम्मेदारी की सेवा थी। रूपा ने तो त्याग दिया था। तो राजा ने कहा तुम जेल में जाओ, अगर तुम मेरा कहना मानने को तैयार नहीं हो तो उसके अधिकारी को कहा इसे जेल में डाल दो। तो सनातन का अभ्यास था राजनीतिक कार्यों में। तो सनातन ने उसी समय, सनातन को एक पत्र मिला था उनके भाई से, रूप गोस्वामी ने जब अपनी संपत्ति बांटी तो उन्होंने लगभग 10,000 सोने के सिक्के रखा था, किसके साथ, एक बनिए के साथ, एक व्यापारी के साथ। लगता कि उन दिनों में बैंक्स नहीं थे, व्यापारी पैसा रखते थे। तो रूपा की चिट्ठी आई बिल्कुल ठीक समय पर कि मैंने 10,000 सोने के सिक्के रखे हैं उस व्यापारी के साथ, तुम वो ले लो, तुम उनका उपयोग कर सकते हो। तो सनातन के पास 10,000 सिक्के प्राप्त हो गए, पहले कुछ भी नहीं था। तो सनातन ने जेलर से कहा मैं मक्का जाना चाहता हूँ और तुम मुझे छोड़ दो, और ये लो 7,000 सिक्के बख्शीश। पर वो जेलर ने कहा तुम तो बड़े प्रसिद्ध कैदी हो, अगर तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। और मुझे सब पहचान लेंगे रास्ते में। तो सनातन समझ गए इसे ये जो लालची है, ठीक है ये लो 10,000 सिक्के, फिर तुम कह देना कि सुबह के समय मैं गया था पेट साफ करने, मैंने गंगा में छलांग मार दी। तो सनातन को 10,000 सोने के सिक्के देकर सनातन बाहर निकले। सनातन के साथ एक नौकर थे,
एक नौकर था, कौन? ईशान। ईशान ने अपने जेब में 8 सोने के सिक्के रखे थे, पर उन्होंने ये ज्ञान, ये सूचना राजा के पास नहीं थी, सनातन के पास नहीं थी। तो रास्ते में वो रुके एक स्थान में जो होटल जैसे था, और सनातन ने देखा कि यहाँ जो होटल का मालिक है बहुत ही सावधानी से, उत्साह से इनकी सेवा कर रहा है। तो सनातन का अभ्यास था राजनीतिक कार्यों में, तो उन्हें शक हुआ कि शायद इस होटल के मालिक का कोई महत्व है, इतनी ध्यान से हमारी सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति आपकी बहुत खुशामद करे या सेवा करे, कई बार आपको शक हो जाता है, हाँ इसे कुछ चाहिए तो नहीं मेरे से। आप जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो तो कई बार आप लोगों की तारीफ करते हो। एक हमारे भक्त है अमेरिका में, जिसे भी देखते थे कहते थे यू डॉक्टर, तो दूसरा व्यक्ति एकदम खुश होकर पूछता था यू आई लुक लाइक अ डॉक्टर। यस। तो सनातन ने अपने नौकर ईशान से पूछा, तुम्हारे जेब में कोई धन तो नहीं है? तो हिचकते हुए ईशान ने कहा, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं, थे 8, एक उसने अपने लिए रख, पहले तो 8 रख रहा था, फिर 1 रखा अपने लिए। तो सनातन ने 7 सोने के सिक्के लेकर होटल के मालिक को कहा, लो ये तुम्हारी संपत्ति है। होटल के मालिक ने कहा, मुझे तो सूचना मिली थी कि तुम्हारे पास 8 सोने के सिक्के हैं, और वो जो होटल का मालिक था उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था जो कि ये पहचान लेता था कितनी संपत्ति है इस अतिथि के पास, और फिर अगर ज़्यादा धन हो तो उनको लूटते थे। तो सनातन ने कहा, आप ये धन ले लो। होटल के मालिक ने कहा, अब मैं तुम्हारे से नहीं ले सकता, आज रात को मैं तुम्हें मार कर लेने वाला था, पर अब मैं नहीं लूँगा। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे तो कोई और मारेगा, मार कर ले लेगा, आप भी लीजिए। तो सनातन को सहयोग दिया और सनातन चले बनारस की ओर महाप्रभु को मिलने के लिए। रास्ते में सनातन रुके श्रीकांत को मिलने के लिए। श्रीकांत कौन था? उनका ब्रदर लॉ। श्रीकांत ने देखा लंबे बाल, फटे कपड़े, एक समय लगभग प्रधानमंत्री था, आज भिखारी जैसे दिख रहा है। सनातन ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम तो भंगी जैसे दिख रहे हो, तुम मेरे साथ आके रह लो। श्रीकांत भी बड़ा धनी था, 300,000 सोने के सिक्के लेकर, 300,000 सोने के सिक्के लेकर घोड़े खरीदे आया था मुसलमान राजा के। तो श्रीकांत ने एक चादर दे दी और सनातन चले आगे कहाँ? बनारस की ओर। उन्हें पता था कि बनारस में महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में रहते हैं। चंद्रशेखर तपन मिश्रा ये महाप्रभु के बड़े प्रसिद्ध भक्त है, थे नीची जाति के, और महाप्रभु उनके घर में निवास कर रहे थे, नीची जाति के व्यक्ति में घर में, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो भगवान की भक्ति में है वो ऊँची जाति का है, और जो भक्ति में नहीं है वो क्या है? नीची जाति का। आजकल भारत में ये निरंतर चर्चा होती है, लो कास्ट हाई कास्ट,
और हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, जो भगवान के भक्त हैं ऊँची जाति के हैं, और जो भक्त नहीं हैं नीची जाति के। तो महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में थे और उन्होंने कहा चंद्रशेखर से, बाहर एक संत खड़ा है और इस संत को अंदर ले आओ। सनातन गोस्वामी के लंबे बाल हो गए थे, दाढ़ी और फटे कपड़े थे, तो चंद्रशेखर उन्हें पहचान नहीं पाया। चंद्रशेखर ने आके कहा, कोई साधु मुझे तो नहीं दिखता, एक मौला है बड़ी दाढ़ी के साथ खड़ा। महाप्रभु ने कहा, वो मौला नहीं पर संत है, उसे फिर अंदर लेके आए और महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया। जब दूसरे भक्तों ने देखा, ओह फटे हुए कपड़े हैं, दाढ़ी है, जब भी महाप्रभु गले लगा रहे हैं, तो फिर वो समझ पाए ये कोई प्रसिद्ध भक्त होगा। तो महाप्रभु ने देखा कि सनातन में बड़े त्याग की भावना है। जब से सनातन वहाँ पहुँचे तो उन्हें नए कपड़े पहनाना चाहते थे ये तपन मिश्र और चंद्रशेखर, सनातन ने इनकार कर दिया। और सनातन ने देखा कि महाप्रभु उनके महंगी चादर पर बार बार देख रहे हैं, क्योंकि सनातन के कपड़े तो सादे थे, ये चादर बड़ी महंगी थी जो श्रीकांत ने ली थी। तो महाप्रभु ने कुछ कहा नहीं, पर सनातन समझ गए। तो सनातन अगले दिन गए थे गंगा के तट पर, वहाँ उन्होंने देखा एक बंगाली यात्री के पास एक बड़ी फटी हुई चादर थी। सनातन ने जाकर कहा, आप ये चादर ले लो मेरी, बदले में मुझे आपकी चादर दे दो। और उसी बंगाली यात्री ने कहा, तुम कॉल कर रहे हो क्या, तुम अपनी महंगी चादर दोगे इस फटी हुई चादर के लिए? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं सचमुच हृदय से चाहता हूँ। तो जब महाप्रभु ने देखा सनातन ने एक फटी चादर उड़ी हुई है पहना हुआ है, तो बड़े खुश हुए। महाप्रभु ने कहा कि जो जब कोई त्यागता है भौतिक जीवन को, तो उसको सादे कपड़े भी पहनने चाहिए, सादा जीवन बिताना चाहिए। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक डॉक्टर जो है जब मरीज का इलाज करता है तो बीमारी का कारण क्या है वो नहीं रहने देता। तो महाप्रभु सनातन से बड़े प्रसन्न हुए थे और फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार सनातन भी कहाँ गए, वृंदावन की ओर गए। और वृंदावन में जाकर उन्होंने महाप्रभु का आदेश पूरा किया। आदेश क्या था, मंदिरों के निर्माण और उन स्थानों को स्थापना करना जब भगवान ने अपनी लीला प्रकट की थी, और ग्रंथों का अध्ययन। सनातन गोस्वामी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, पर प्रभुपाद जी ने, निरूपक गोस्वामी ने कई प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनमें से दो ग्रंथों का अनुवाद किया। रूपक गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की, 1,00,000 श्लोकों से भी ज़्यादा। और इन ग्रंथों में दो सब बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश रामायण। और सनातन गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की, और
मंदिरों का निर्माण किया। अनेक मंदिरों में उन्होंने राधा मदन मोहन मंदिर का निर्माण किया और राधा गोविंद मंदिर बना था रूप गोस्वामी की प्रेरणा से। तो यहाँ देख रहे हो कि रूप और सनातन दोनों आए चैतन्य महाप्रभु को मिलने, और क्योंकि मुसलमान राजा के राज्य में कार्य कर रहे थे उन्हें भी मुसलमान नाम स्वीकार करना पड़ा, उन्हें भी मुसलमान रिवाज कस्टम जो है उसके आधार पर चलना पड़ा। और क्योंकि मुसलमान राज्य के पास वो कार्य कर रहे थे, तो रूप और सनातन महाप्रभु ने नाम दिया था दीक्षा के पश्चात आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। तो रूप और सनातन वृंदावन में थे और रोज अलग अलग स्थान में सोते थे, अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे और खाने के लिए क्या मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब घर घर जाकर थोड़ी भीख मांगते थे। मधुकरी करते समय एक घर में आए जहाँ की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति थी मदन मोहन की। तो सनातन की इच्छा थी कि ये मूम विग्रह मुझे प्राप्त हो जाए सेवा के लिए, और इस व्यक्ति का नाम था छोबे। तो जब उसने मांगा उनसे ये मूर्ति के लिए, छोबे ने कहा नहीं नहीं मूर्ति मैं नहीं दूंगा। और एक दिन फिर इसी छोबे को सपना आया जिसमें उसने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया, ये जो मेरा विग्रह है तुम्हारे घर में, मैं अब चाहता हूँ कि वो जो संत सनातन गोस्वामी आए थे तुम्हारे पास उनको दे दो मेरी सेवा करने के लिए। तो ये तो डायरेक्ट ऑर्डर आ गया। तो फिर जो भी नहीं है विग्रह सनातन को दिया। सनातन मधुकरी करके रह रहे थे और रूप भी। सनातन ने गंगा के तट पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था जिसमें वो विग्रह मदन मोहन की सेवा करते थे। और एक दिन एक व्यापारी था निमक का, वो व्यापारी आगरा जा रहा था, रास्ते में उनकी नाव फंस गई, अंधेरा हो रहा था और वो व्यापारी डर में था कि डाकू लोग नहीं आ जाएं। और उसने देखा कि सामने एक कुटिया है जिसमें थोड़ी रोशनी है, तो वहाँ वो पहुँचे और विग्रह से प्रार्थना की कि हम कठिन स्थिति में हैं और उनकी कृपा से, विग्रह की कृपा से नाव जो है चलने लगी आगे। और आगरा जाकर इस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए और ये पैसे लेकर वापस लौटे किन के पास? सनातन के पास। आपके विग्रह की कृपा से मुझे धन प्राप्त हुआ है, आप लीजिए। सनातन ने कहा हाँ भगवान का मंदिर बना दो इसे। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एक समय था जब उनके पास बहुत सुविधा थी,
जब उन्होंने सब कुछ त्यागा मधुकरी करके रह रहे थे कहाँ वृंदावन में। रूपा गोस्वामी की इच्छा थी कि उनके विग्रह को एक अच्छी खीर खिलाई जाए, पर उस दिन में उनके पास कोई सुविधा तो थी नहीं, धन कुछ खास ज़्यादा नहीं था। तो राधा रानी एक खूबसूरत लड़की के रूप ग्रहण करके उनके रूप गोस्वामी के घर में पहुँची। वो राधा रानी ने चीनी दूध इत्यादि सब सुविधा ले आए थे। तो जब राधा रानी ने ये सब छोड़कर चले गई, कहा मैं बाद में आऊँगी, रूपा गोस्वामी ने बड़ी अच्छी खीर बनाई। जब उनके भाई आए उधर, भाई ने देखा, ओह इतना अच्छा टेस्ट। तो भाई ने पूछा, ये खीर कैसे बनाई तुमने? हम तो रोज़ सूखी चपाती और नमक खाते हैं, आज ये खीर कैसे बनाई? रूपा गोस्वामी ने कहा, एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की आई थी इन सब सुविधाओं के साथ, और उसने कहा आप इन का उपयोग करके खीर बनाई है। तो सनातन एकदम समझ गए ये खूबसूरत लड़की कौन थी। तो सनातन ने डांटा, तुमने राधा रानी से सेवा ले ली, ये महान अपराध है। वो सब के सिद्धांत से हम सीखते हैं कि हमारी इच्छा होनी चाहिए केवल सेवा करने की। माधवेंद्रपुरी जब उन्हें पता लगा कि वो ग्वाला जो दूध लेकर आया था स्वयं भगवान थे, तो वो शर्मिंदा हो गए और उनके मन में दुख था, मैंने भगवान से सेवा ले ली। तो निष्काम भाव है जब हम जुड़ते हैं, वहाँ भाव होना चाहिए केवल सेवा करें। तो रूप और सनातन हम भक्तों को वैष्णव को क्या बुलाते हैं? रूप नुगा। हम रूप गोस्वामी जी की शिक्षा के आधार पर चलते हैं। तो रूप और सनातन ने हमें वैदिक ज्ञान दिया है, अनेक ग्रंथों की रचना की है, और वृंदावन में आज आप जो देखते हो केवी तीर्थ के साथ इन सब को पहचाना गया था इनके सहयोग से। तो रूप और सनातन उनके साथ दूसरे गोस्वामी वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनका बड़ा आभार है, क्योंकि उन्होंने वैदिक शास्त्रों को बड़े सरल रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ कहा जाए, और नित्यानंदा हरिदास और सनातन गोस्वामी कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर नहीं गए। वो चाहते नहीं थे कि किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन रिवाज था कि जिसने हिंदू धर्म में जन्म नहीं लिया वो अंदर नहीं जा सकता दर्शन के लिए। तो रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, ये 3 कभी जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर दर्शन लेने नहीं गए। वो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि वो रोज आते थे उनसे चर्चा करने के लिए और इन भक्तों का दर्शन करने के लिए। सनातन गोस्वामी जा रहे थे जगन्नाथपुरी में की तरफ महाप्रभु को मिलने में, रास्ते में उन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई, पूरा शरीर भर गया था पस के साथ, और सनातन गोस्वामी सोच रहे थे अब मेरे शरीर का क्या फायदा, अब पूरा शरीर भर गया है पस के साथ,
मैं रथ यात्रा के समय पहिए के नीचे अपने आप को डाल दूंगा और आत्महत्या करूंगा। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, ईश्वर सर्वभूत नाम है, देश रजन देशी। वो समझ गए क्या था सनातन का भाव। तो महाप्रभु ने कहा, सनातन ये जो ध्येय है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है और मैंने इसका इस्तेमाल करना है धर्म की स्थापना के लिए। अगर आत्महत्या करने से भगवत प्राप्ति होती तो कई लोग आत्महत्या कर लेते। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने डांटा और कहा, आत्महत्या का ये भाव है त्यागो, ये ध्येय तुम्हारा नहीं है मेरा है और मैंने इसका उपयोग करना है किस लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो इसी प्रकार हम भक्तों को ये सोचना चाहिए, ये ध्येय हमारा नहीं है तो किसका है, कौन है मालिक? हाँ, गुरु भगवान का है। तो हमें ये ध्येय का सदा उपयोग करना चाहिए किस लिए, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में। कई बार हम सोचते हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, पर हमें ये देखना है कि भगवान की सेवा के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है। सनातन गोस्वामी सोच रहे थे आत्महत्या कर लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको बीमारी हो गई थी और वो सोच रहे थे मेरे शरीर बिल्कुल बेकार का हो गया। तो महाप्रभु ने ये स्थापित किया कि ये ध्येय का उपयोग होना चाहिए किस लिए, भगवान के सेवा में, ये ध्येय मेरा है तुम्हारा नहीं। तो इसी प्रकार हम भक्तों को सोचना चाहिए, ये ध्येय तो भगवान की सेवा के लिए है। जब आप कहते हो गुरु की सेवा, गुरु क्या कहता है आखिर? गुरु यही कहता है भगवान की सेवा करो, गुरु यही कहता है चैंट हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि शास्त्र का निर्णय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो रस्ते मनस्ते हरे नाम लो। प्रभुपाद जी ने उदाहरण के लिए अपने ग्रंथ में क्या स्थापित किया, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। आपको कहा ये नहीं मिलेगा, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई एम द सुप्रीम। और प्रभुपाद से किसी ने पूछा एक समय, आर यू गॉड? प्रभुपाद ने कहा, एनीबडी थिंक्स हु इज गॉड इज डियरली डॉ। तो जब हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो, तो इन ग्रंथों में है क्या ज्ञान जिसके द्वारा द सुप्रीम लॉर्ड इज ग्लोरीफाइड, नॉट द गुरु इज ग्लोरीफाइड। गुरु केवल एक मीडियम बनता है। तो हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को बांटो, क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है, दिव्य ज्ञान है। और ये ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, परम भगवान के द्वारा। तो ये नहीं कि अगर कई बार हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा करें, गुरु प्रसन्न होता है जब वो देखता है कि हर व्यक्ति जुड़ा है भगवान की सेवा में। तो हरिदास ठाकुर की भी चर्चा है यहाँ। हरिदास ठाकुर का आचार भी था और प्रचार भी था। सनातन गोस्वामी ने कहा, उन्हें कईयों का आचार है पर प्रचार नहीं, कईयों का प्रचार है और आचार नहीं, पर आप में दोनों गुण हैं। तो आप हो असल में समाज के आचार्य। तो भक्तों का आचार भी होना चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए। ये नहीं प्रचार करते बड़े उत्साह से पर आचार नहीं है। ये भी नहीं कि आचार है और प्रचार भी नहीं। भजन नंदी
गोष्ठ नंदी। भजन नंदी भक्त जो हैं वो केवल अपने स्वार्थ का ही सोचते हैं और अपनी भलाई का ही सोचते हैं। गोष्ठ नंदी भक्त जो है वो ये सोचता है कि मुझे भगवान का संदेश आगे पहुंचाना है, उस सबको जोड़ना है भक्ति के साथ। तो आचार और प्रचार दोनों की आवश्यकता है और इसमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हरिदास ठाकुर का। और हम भक्तों को आचार भी रखना चाहिए, अगर आचार भी रहेगा तो आपके प्रचार का ज़्यादा असर पड़ेगा, और अगर आचार कमज़ोर हो तो फिर प्रचार भी कमज़ोर हो जाए। लोग कहेंगे देखो बोलता है कुछ करता है कुछ, मुंह में राम राम। तो मुंह में राम राम वगैरह में छुरी हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा सिद्धांत है जो कि हरिदास ठाकुर ने प्रकट किया, आचार भी और प्रचार भी। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं भक्ति में वो देखते हैं इस व्यक्ति में आचार और प्रचार दोनों है या केवल प्रचार का उत्साह है। तो इसे आचार भी होना चाहिए प्रचार भी होना चाहिए। तो नित्यानंद भगवान नित्यानंद जी हमेशा सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। महाप्रभु हमेशा नित्यानंद को अपने बड़े भाई जैसे मानते थे और नित्यानंद हमेशा जानते थे कि कौन है, स्वयं भगवान है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास को बुलाकर कहा जाओ घर घर प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और भगवान नित्यानंद घर घर गए। जो घर घर जा रहे थे कईयों ने तो उनको उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया, कहा बैठो प्रसाद खाओ, कईयों ने उनकी बेइज्जती भी की और कईयों ने ये भी कहा ये शायद जासूस हैं, ये आए हैं साधु के वस्त्रों में बुला रहे हैं क्या करने, देखने कि हमारे घर में क्या है, फिर आएंगे रात को लूटने के लिए। और जब महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में अपना हरिनाम आरंभ किया तो वहाँ सब लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो जब महाप्रभु जब हरिदास और नित्यानंद उस घर में पहुँचे जहाँ के किसी सदस्य को शिवा संगन में अंदर आने से रोका था तो वो क्या कह रहे थे, मारो इन्हें पीटो, हमने जब प्रयास किया था उनके संकीर्तन मंडली में उपस्थित होने के लिए उन्होंने हमें अंदर आने भी नहीं दिया, मारो पीटो। तो देखिए ऐसा व्यवहार हो रहा था किसके साथ, हरिदास और नित्यानंद। तो जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, हम लोग जब प्रचार में जाते हैं हमें तो जूते खाने चाहिए। क्योंकि महाप्रभु के आदेश के पूरा करने के लिए नित्यानंद हरिदास घर घर गए। तो उसी प्रकार हमें भी चिंता किए बिना आदर मिलेगा अपमान होगा हमें प्रचार में जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए लोग हमारी बेइज्जती कर देंगे, लोग कहेंगे हंसेंगे हमारे पर, चाहे आदर हो या अपमान हमारा कर्तव्य क्या है, चारे धागो ताए कहो कृष्ण।
इस मध्य लीला के प्रथम अध्याय में हम महाप्रभु की लीलाओं के विषय में पढ़ रहे हो, अब पढ़ रहे हो कि किस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों का उद्धार किया और किस प्रकार रूप और सनातन ने शिक्षा प्राप्त की चैतन्य महाप्रभु से, और चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है, जाले देखो देखो कृष्ण प्रेम। तो ये प्रचार का उत्साह सब में होना चाहिए, ये नहीं कि ये बात जरूर है कि आज के वातावरण में थोड़ी थोड़ी तकलीफें हैं, जैसे बॉम्बे जैसे शहर में पूना मंदिर अभी भी बंद है। आप लोग का अच्छा भाग्य है कि 3 महीने से मंदिर खुले हुए हैं, और भारत के कई स्थानों में, राजस्थान में, बॉम्बे में वगैरह, ये मंदिर आज भी बंद है। और ये जो कोरोना वायरस है वो फैलते जा रहा है कि नहीं, तो कोरोना वायरस असली कोरोना है लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना। तो ये कोरोना वायरस काफ़ी तेज है और कुछ पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है। जैसे आप लोगों को ये सूचना होगी कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसे भी वायरस हो गया, उसकी पत्नी को भी वायरस हो गया, और उसके कैबिनेट के कई 8-9 प्रसिद्ध मंत्री थे, सबको वायरस हो गया। एक प्रोग्राम में गए और उस प्रोग्राम में एक औरत थी जिसे ये वायरस था, तो उससे सबको हो गया। तो आप देख सकते हो, चाहे आपके पास कितनी भी सुविधा हो, कितनी भी योग्यता हो, कितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति आप सोच सकते हो, उन्होंने पूरी प्रिकॉशन लिया होगा, ये हम विश्वास नहीं करते कि वो अनजान थे या उन्हें पता नहीं था क्या नियम है, उनके साथ सब मंत्री होंगे, सब डॉक्टर भी साथ होगा, जब भी ये वायरस पकड़े। तो ये है भौतिक समाज का रूप, दुखा रहे हम शासन। चाहे आप कितनी भी रिसर्च करो, आप अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सकते। ये प्रचार का बड़ा अच्छा समय है, आज के वातावरण में चारों तरफ से लोग दुखी हैं, पढ़े लिखे हैं नौजवान पर नौकरी नहीं है, वो व्यापारी ने बड़ी फैक्ट्री लगाई है पर कोई ग्राहक नहीं है, दुकानें खोलते हैं सारा दिन पर कोई ग्राहक अंदर ही नहीं आता। तो चाहे देखा जाए बौद्धिक स्थिति समाज की बिगड़ते जा रही है, तो ये प्रचार का बड़ा अच्छा समय है। अब बता सकते हैं लोगों को, देखो जब हम कहते थे दुखा है मशाजतम तुम हंसते थे, अब देखो अभी कोरोना वायरस ने तुम्हें अच्छी सी शिक्षा दी है, जो शिक्षा आप नहीं दे पाए कोरोना वायरस दे रही है। आप लोगों को ये बता रहे हो कि किस प्रकार ये बौद्धिक संसार में कष्ट कर रहे हैं। ये प्रचार का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए, ये जो स्थिति है समाज में उसका हम लाभ उठा सकते हैं। हम खुश नहीं हैं कि कोरोना वायरस फैल रही है, पर फैल रही है और आप देख सकते हो और रोज़ देखते हो अखबारों में कितने नए कैजुअल्टी, कितने नए लोगों को ये बीमारी हुई। तो असली उपाय है ये दिव्य ज्ञान, हम सब में प्रचार का उत्साह होना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो 6 महीने 1 साल की लंबी छुट्टी मिल गई, अभी प्रचारक के लिए कोई छुट्टी नहीं, प्रचारक हर मिनट का उपयोग करना चाहता है भगवान की सेवा में। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, जाने ताकता है कहो कृष्ण बोले। हमें तो शासन के आधार पर पता है कि बौद्धिक समाज में क्या कष्ट कर सकते,
तो असली उपाय क्या है? ये दिव्य ज्ञान। आज लोग सोच रहे हैं और कुछ महीनों में वैक्सीनेशन आ जाएगा, देन एवरीथिंग विल बी ओके। वैक्सीनेशन आएगा, उसको ट्रायल में पड़ जाएगा क्या, और वैक्सीनेशन क्या रिस्क भी होता है। अगर ठीक वैक्सीनेशन नहीं हो तो उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे हैं। तो ये सोचना कि थोड़े महीने में सब ठीक हो जाएगा, ये जेल खाना है। यहाँ कोई हर चीज़ कभी ठीक नहीं होगी। और सबसे उत्तर उपाय क्या है? भगवान के शरणागत होना। आप सबको आज की स्थिति का लाभ उठाना चाहे प्रचार बढ़ाने के लिए। तो संक्षेप में इस अध्याय में आप देख रहे हो कि नित्यानंद हरिदास महाप्रभु के पास ले गए रूप और सनातन। रूप और सनातन जो आए थे रामाकेली में मिलने के लिए, वो वेश बदल कर आए थे, क्योंकि उन्हें तो पूरा राज्य बंगाल का जानता था, क्योंकि वो बंगाल के मंत्री थे। वो अपने वेश को बदल कर आधी रात को आए, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी को पता नहीं लगे कि वो आए हैं महाप्रभु को मिलने के लिए। और महाप्रभु ने उन्हें यही आदेश दिया क्या, कि ठीक समय पर प्रचार करना। और रूप और सनातन उनमें इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने कहा, हम तो जगाए मदाई से भी ज़्यादा पतित है। हम वक्तों में ये भाव होना चाहे, हम हैं सबसे पतित, और अगर इस विनम्रता के भाव से चलेंगे तो भगवान की कृपा भी मिलेगी और भगवान प्रसन्न होंगे। पर अगर हम ये सोचते रहें आई एम सो ग्रेट, आई एम सो सक्सेसफुल, आई एम द बेस्ट, तो इस भाव से चलोगे तो भक्ति में क्या होगा? भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसलिए चेना श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर हम इस श्लोक के हर शब्द का पालन करें तो बिना शंका के आप भगवान के भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई कमेंट्स, एनी क्वेश्चन? या हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रश्न तो है कि इतनी सारी सुविधाएं हमें अभी उपलब्ध है सांप्रदायिक, तो इसके बीच में हम कैसे मिशनरी स्पिरिट को डेवलप करें? खुद में ऐसा लगता है सब ठीक चल रहा है, ज़्यादा इनिशिएटिव लेने को मन नहीं करता, तो मिशनरी स्पिरिट कैसे डेवलप करें? कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी सुविधा है, जैसे बड़े मंदिर में कीर्तन होता है, सुंदर विग्रह है, और प्रसाद भी अच्छा है, क्योंकि बड़े मंदिर में ज़्यादा ट्रेनिंग। तो हम सोचते हैं यहाँ रहकर हम सेवा करेंगे, पर और किसी स्थान में नहीं भेजना, हमें वहाँ नहीं जहाँ थोड़ी कठिनाई हो। भक्त को ये सोचना चाहिए आवश्यकता के अनुसार हम सेवा करेंगे। जैसे फौज में अगर सरकार कहती है जाओ चाइना बॉर्डर पर, अब ये थोड़ी कह सकते हो चाइना नहीं जाएंगे हम तो दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली बॉर्डर में जाके दिल्ली का हरियाणा से जो बॉर्डर है वो वहाँ चले जाएंगे। आप फौज में जहाँ भगवान जहाँ आर्मी भेजे वहाँ जाना पड़ता है, तो हमारा वही भाव होना चाहिए। और ये भाव होना चाहिए कि कठिन सेवा में ज़्यादा कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान देखते हैं ये भक्त मेरी खुशी के लिए, मेरी शिक्षा को स्थापित करने के लिए ये कठिनाई में अनुभव कर रहा है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं।
पर कई बार हम देखते हैं कि भक्त कहते हैं सेवा करेंगे पर हमारी इच्छा के अनुसार। तो आप भगवान से कहोगे हमारी इच्छा के अनुसार सेवा होगी, तो फिर भगवान की इच्छा के अनुसार उसका लाभ भी उसी मात्रा में होगा। All of them is surrendered to me, I reward them accordingly. भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं I reward them in proportion to their degree of surrender. Was that your question? Yes. Thank you, Guru Maharaj, for the wonderful class. And many of the problems you give wonderful solution. Maximum problems I have to hear that you have to tolerate. Sometimes in the name of tolerance, we suppress ourselves. So how do you understand this? This is tolerance and this is suppress. You do tolerance, what happens? What did you say? Tolerance and suppressing. Suppression leads to damages. So, is the tolerance is purification of heart? The tolerance comes out, it is something. Tolerance means, let's say you have to chant your round and do your service. But there may be some obstacles also. There may be that it's too cold or too. The weather is going to change, it's going to become cold. You tolerate it. Sometimes you may be insulted. Sometimes you may be criticized. But tolerate it and go on with yourself. Tolerance is very important. Therefore, Lord Chaitanya says, Inada peace going to change, there will be peace. Amani Namana Dena Ketana Disarari. Chant the holy names in a humble frame of mind. Who can be more tolerant than the tree? Tree is an example for being most tolerant. In the summer, winter, rainy season, the tree is always ready to serve us. The question is, how do you develop tolerance? Okay. How do you develop these 26 qualities of a devotee? How do you develop spiritual strength? So all that comes from, as you've heard a million times, attentive chanting of the holy name. Is Mother Sundar here? Where? तो मुझे सुंदर आप भक्तों को निमंत्रण देना चाहते थे विचार, इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है और 8 भक्त रोज आते हैं। कितने भक्त जा रहे हैं? 8 और भी चाहिए आपको? मैं तो पहले मधुसूदन को कह रहा था संभल के जाओ, तो अब ये कह रहे हैं कि 8 भक्त साथ में जाते हैं। आपका क्या अभ्यास है? लोग बात करते हैं या बेइज्जती करते हैं या क्या? संडे को भी कई मार्केट खुल जाती है, करोड़ वाले लोग करते हैं, तो वहाँ पर भी 100 100 का
मम्मी हमारे लिए कि हम लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब भी श्रीराम कुमार जी ने ऐसे बोला कि आप बाहर निकलो तो ग्राहक हमेशा मिलेंगे, सर आप लोग होनी चाहिए, तब हम हमारी लेते हैं कि हम लोग सोचते हैं अरे ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, नहीं हुआ नहीं हुआ, सब कमी हमारी है। हमें सावधान रहना है, यही नहीं कि पहले जैसे बिना देखे हमसे, हमें सावधान रहना है, सब नियमों का पालन करना है और पूरा प्रयास करना है कि बीमारी का असर नहीं हो, असर नहीं हो। और जो मंदिर में आते हैं उनको भी आप प्रचार कर सकते हैं। नंबर लिए हैं और जानवर को नंबर देते हैं और हमने उनके लिए संकट प्रोग्राम शुरू किया है ऑनलाइन। एनी मोर क्वेश्चन? यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने देखा है, यहाँ पर हम लोग स्टॉल लगाते हैं, लोगों को बस खाली ये पकड़ते हैं और बातचीत करते हैं, तो डेली लगभग 10-12 लोग आते हैं खुद संडे को छोड़ के डेली, लोग कहते हैं कि हम लोग स्पॉन्सर लेना चाहते हैं कैसे जुड़े, तो कमी हमारे अंदर कि हम लोग यहाँ पर अगर लोग कुछ भक्तों यहाँ खड़े हैं और लोगों से बातचीत करें, लोग बातचीत करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम लोग जुड़े, तो हम लोग यहाँ पर एक टीम यहाँ पर लगा दें भक्तों की, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लोग खाली भी आ रहे हैं, बगैर बगैर लोग आ रहे हैं, उन लोगों को जोड़ना है उनके लिए गुनाह वगैरह हम लोग करें, तो एक ऐसी टीम हम लोग तैयार कर लें, तो काफ़ी लोग यहाँ भक्त बने और सब कुछ, कुछ लोग लाइव मोबाइल बनना चाहते हैं, कुछ अब कुछ यहाँ मिल जाएगा। हरे कृष्ण। ये पूछे जल्दी So, we are while doing service, we make mistakes. Okay, I understand. So we all make mistakes, but we should try to improve. And a leader should train up his devotees with love and patience. The leader, if he says, hey, you fool, iti baat mein samjhaya, tum samajhne duffer ho. So that's one way. The other way is, you more sweetly correct him. You more sweetly correct your junior, then he will take to it faster than if you just insult people. Is that your question? In the devotee who is doing the mistakes, But he should also try to improve. In the case of the devotee, he should try to improve. We should try to improve. But if there are mistakes happening, we have to correct. It's like a mother has to take care of the small child. So when somebody is new, he needs a lot of training. We are all coming from a heavy background of Maya. So when you come to spiritual life, it is like a shock in the beginning. But if you're in the right atmosphere, that is helpful. Like if you come to the temple and go for the training program here, it's easier. If you have to do a training program somewhere, but there's no association, it'll be more difficult. Isn't it? Okay. Any more questions? Then we have to stop. Huh?
हरे कृष्ण महाराज, जैसे हम लोग सेवा करते हैं जैसा भगवान की हमें जैसा आवश्यकता हो उसके अनुसार सेवा करना चाहिए, लेकिन जब हम आवश्यकता अनुसार सेवा करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता कि हमें मतलब ध्वजा जो हमारा डिक्रीज कर जाता है। रिजल्ट की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, आप प्रयास करो एंड फॉर रिजल्ट डिपेंड अपॉन कृष्ण। जैसे आप मान लो प्रचार के लिए जाते हो, आपने 6 घंटे प्रचार किया, इतना नतीजा नहीं मिला, भगवान खुश हैं, वो आपको क्रेडिट देंगे 6 घंटे के लिए आपने 6 घंटे सेवा किया, चाहे रिजल्ट इतना अच्छा ना हो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिवोटी 25 किताब बांट देता है, दूसरा डिवोटी 2-3 बांटता है, तो जो 2 और 3 बांट रहा है उससे भी द लॉर्ड इज़ वेरी प्लीज, क्योंकि वो प्रचार में जाना। सो वी शुड नॉट बी सो अटैच टू द रिजल्ट, वी शुड बी अटैच टू द एफर्ट। ओके, इट्स गोइंग बी 10 o'clock। Any more? अंदर से दिल लगता है उसको बारू बाहर से अब विनम्रता का रूप पकड़ कर बताए। अगर एक्सटर्नली यू शुड प्रैक्टिस टॉलरेंस, और एक्सटर्नली प्रैक्टिस करोगे तो मेंटली भी वो भाव अनुकूल हो जाएगा, और टॉलरेंस इज अ वर्च्यू, एंड इफ यू प्रैक्टिस इट यू विल गेट इट। आप ये उम्मीद मत रखो हर व्यक्ति मेरी तारीफ करेगा, अब ये उम्मीद मत रखो कि मैं हूँ बेस्ट और मुझे हमेशा नंबर 1 आना है। हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीद बना लेते हैं, हमें ये मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए, जब नहीं मिलता तो हम फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे बहुत एक समाज में लोग डिप्रेशन में क्यों आते हैं, उन्होंने बड़ी एम्बिशियस प्लान्स बनाए थे, हम भी मुकेश अंबानी बनेंगे ये बनेंगे, जब देखते हैं कि ये सब प्राप्त नहीं हो रही देन दे गो इन डिप्रेशन। सो डोंट एक्सपेक्ट आई विल बी नंबर 1, आई शुड गेट ऑल द ऑनर। ओके, वी स्टॉप नाउ। यस यस हरे कृष्ण महाराज जी, कोई भक्त क्या कहते हैं मैं क्वालिफाइड नहीं है, और क्या कहते हैं लेक्चर भी सुना था तो समझ में नहीं आता, तो वो प्रचार कैसे करेंगे? हम ये तो नहीं कहते आप पहले दिन आए हो मंदिर में प्रचार के लिए जाओ, पहले ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने 1 साल के लिए, उसके बाद आपको प्रचार में भेजते हैं, है कि नहीं? और अगर आपको लगे कि मुझे और ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो वो प्रबंध भी हो सकता है। जब आपके लीडर्स देखेंगे कि यू आर रेडी तब वो आपको भेजेंगे, अगर आपको लगे नहीं आई एम नॉट रेडी तो अपने जो इंचार्ज हैं एडवाइज़र हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। हृदय में कोई बात मत रखो, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं 6 प्रकार के सम्मान भक्त में होना चाहिए। ओके, ये मोहन रूप सेवन आवर में, और इसके ऋषि कुमार टूर गई है,
Today the leaders are not here. Some of them are going to base. I'm going to base. It's fine. I'm going to base. Yeah, base. So, Ajitna, we have a module. Ask us a request. Take 11 minutes. You will follow seminar. हमें एक मिनट भी बेकार नहीं रहना चाहिए. That is dangerous. We should always be busy. ये courses वगैरह design हो रहे हैं इस दृष्टि से कि आप इनका लाभ उठाओगे और अगर आप व्यस्त रहोगे हमेशा तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी अच्छी होगी. And an English phrase, an idle brain is devil's workshop. And devil means Maya. Maya takes different roots. So आप व्यस्त नहीं हो आपका मन भटकेगा गलत कामों की तरफ. पर अगर आप व्यस्त रहोगे अगर कोई सेवा नहीं है तो मंदिर में बैठ कर कीर्तन करो. कीप योरसेल्फ ओके. हरे कृष्ण.